कोरोना वायरस के खौफ के बीच सोशल मीडिया यूजर्स अब एक खगोलीय घटना को लेकर डरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि 29 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जाएगी। अरबों साल पहले जब स्टेरॉइड धरती से टकराया था तब डायनासोर युग का अंत हो गया था। ऐसा ही डर 2020 में भी देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींद भी उड़ी हुई है, यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका भी घबराया हुआ है। आपको भी व्हाट्सएप के जरिए इस खबर से जुड़ी कई वीडियो मिली होंगी, लेकिन हम आपको बता दें कि इन अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। नमस्कार दोस्तों, HS न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सोशल मीडिया के इस दावे में कितनी सच्चाई है और वैज्ञानिकों और नासा का इस पर क्या कहना है। नासा की माने तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन कई वैज्ञानिक इसके बाद भी आशंका जता रहे हैं कि अगर इसकी टाइमिंग में कुछ सेकंड का भी अंतर हुआ तो ये एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है और तब बहुत मुमकिन है कि डायनासोर की तरह पूरी मानव सभ्यता का अंत हो जाए। हालांकि इस एस्टेरॉयड के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी रफ्तार डायनासोर युग को खत्म करने वाले एस्टेरॉयड की आधी है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया पर अंतरिक्ष से आ रहा ये खतरा कितना बड़ा है। अब हम आपको इस एस्टेरॉयड के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। इसे वैज्ञानिकों ने 527681998IR2 नाम दिया है। इसकी रफ्तार 19,000 मील प्रति घंटा है। वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि ये एस्टेरॉयड माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा हो सकता है और अगर धरती पर टकराया तो तबाही मच सकती है। ये पृथ्वी से लगभग 4 मिलियन किलोमीटर दूर से गुजर जाएगा। जब ये पृथ्वी के करीब से गुजरेगा तब इसकी गति करीब 20,000 मील प्रति घंटे होगी। ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के लगभग 16 गुना है। तो ये इस बात साफ है कि पृथ्वी पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला। दुनिया खत्म होने जैसे सारे दावे छूटे हैं। 29 अप्रैल 2020 की तारीख में कितना सच। अब हम इस पूरे मामले के सच तक पहुंचते हैं। जहां तक 29 अप्रैल 2020 की बात है, ये बात एकदम सच है कि इस दिन एक एस्टेरॉयड हमारे सौर मंडल से गुजरेगा। एस्टेरॉयड वॉच के ट्विटर हैंडल पर इसकी आधिकारिक जानकारी देखी जा सकती है। ये पृथ्वी के बहुत पास से गुजरेगा लेकिन टकराएगा नहीं। साल 1998 में अमेरिका की अंतरिक्ष शोध अनुसंधान एजेंसी नासा को इस एस्टेरॉयड के बारे में पता चला था। यदि ये वास्तव में पृथ्वी से टकरा जाता है तो बड़ी तबाही आ सकती है। गनीमत है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। इस ग्रह से अभी तो घबराने की फिलहाल जरूरत नहीं, लेकिन आज से ठीक 59 साल बाद यानी कि साल 2079 में यही लघु ग्रह के पृथ्वी के निकट आने की संभावना है। वैज्ञानिकों ने इसकी गणना की है। इसके मुताबिक ये 16 अप्रैल 2079 को हमारी धरती के पास से गुजरेगा। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर इस संबंध में चल रही तमाम खबरें महज अफवाहें हैं। HS न्यूज के लिए प्रीति चौहान की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।